सारे सपने टूट जाते हैं, विकास रुक जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये प्रगति को रोकने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कड़े कदम उठाए हैं, नए कानून बनाए गए हैं, पुराने कानूनों को और सख्त किया गया है। कितने ही देशों के साथ समझौते किए हैं, पुराने जो समझौते थे उसमें बदलाव किया गया है। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजे आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है, भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। तीस साल पहले 1987 में स्विस बैंकों ने बताना शुरू किया था कि किस देश के लोग कितना पैसा वहां जमा करा रहे हैं। पिछले साल की जो रिपोर्ट अब आई है उसके मुताबिक भारतीयों का जो पैसा वहां जमा है उसमें, नया नहीं पुराना, उसमें 45% कमी आई है। दो से जिस दिन आपने मुझे काम दिया उस दिन से दो से ही गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था वो और तेज हो गया है। और आपको जानकर के दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा, 2013 का स्विस बैंक का रिपोर्ट कहता है 42% इंक्रीज था, 42% वृद्धि थी। और भाइयों बहनों, अब से 2 वर्ष बाद जब स्विट्जरलैंड से रियल टाइम डाटा मिलने लगेगा तब विदेश में काला धन जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। आपके तो ऐसे कोई क्लाइंट नहीं होंगे मुझे विश्वास है। लेकिन आपके प्रति मेरा इतना प्यार है कि कान में बता देता हूं, उनको कान में बता दीजिए। साथियों, देश में भी एक तरफ मैं स्वच्छता अभियान को भी चला रहा हूं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में सफाई अभियान भी चला रहा हूं। इस देश में 8 नवंबर सबसे ज्यादा आपको याद है। डिमोनिटाइजेशन का फैसला भी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने, लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग
दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापिस आ गए। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया। लेकिन किया जरूर था। साथियों, काले धन के खिलाफ इस सफाई अभियान के दौरान मैं पहली बार कुछ बातें आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप उस बात की ताकत बराबर समझते हैं। सरकार ने बैंकों में जो पैसे जमा हुए उसका डाटा माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, लगातार डाटा माइनिंग चल रहा है, कहां से रुपये आए, कहां जमा हुए, कहां गए, कैसे गए, 8 नवंबर के बाद क्या क्या हुआ, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो डाटा माइनिंग चला है, अभी अभी हमने किसी को पकड़ करके पूछताछ नहीं की है, सिर्फ आंकड़े का अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति से जरा भी कम नहीं है, लेकिन आप देखिए 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश ये सुनकर के चौंक जाएगा, 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन पर सवाल या निशान लगा है। और ये जितना माइनिंग हुआ उसमें से अभी काफी माइनिंग बाकी है, ये 3 लाख से कहां बढ़ेगा मैं कह नहीं सकता। और जब उसकी जांच शुरू की, कुछ चीजें गंभीर जिनकी पाई गई हैं, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, शायद हिंदुस्तान को इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है, उसका एक पहचान हो जाएगी। तो एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया, व्यापारी जगत सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था, 1 जुलाई क्या होगा उस पर था, 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है दोस्तों। रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है, ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों, राजनीति के हिसाब किताब करने वाले
ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा कंपनियों को 1 मिनट में कलम के 1 झटके से खत्म करने की ताकत देशभक्ति की प्रेरणा से आती है।